Hello everyone, welcome to the lecture on aptitude. In this lecture we are going to discuss how to find the cube of number. So specially इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्यूब किस तरह से फाइंड आउट करना है फ्रॉम द नंबर 11 टू 19. सो 11 से 19 इन नंबर्स के आप क्विकली मतलब ओरली ही आप क्यूब निकाल सकते हो, बट इन नंबर्स के क्यूब निकालने के लिए फ्रॉम 11 टू 19 इन नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 to 9 तक के क्यूब्स. 1 to 9 इन नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए एज सच कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन उसको आप याद करने के लिए ट्रिक लगा सकते हो. जैसे कि देखो, अगर आप किसी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट द क्यूब ऑफ दैट नंबर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 3 times. अगर हमारे पास में नंबर है 1, सो 1 cube इज 1, 2 cube, सो 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, 3 cube is 3 3s are 9, 9 3s are 27, 4 cube is 64 and 5 cube is 125. सो ये 1 से 5 तक के आप इजीली याद रख सकते हो. नहीं याद रहता है तो आप क्विकली उसका प्रोडक्ट निकाल के निकाल भी सकते हो. अब इसके आगे देखो, ये जो 6 है, 6 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए जस्ट इस 5 और ये 2 इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दो. सो इट इज ए 2 1, और वी नो दैट 6 में लास्ट डिजिट क्या आता है, 6. ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि 2 के टाइम पे लास्ट डिजिट 8 और 8 के टाइम पे 2, 7 के टाइम पे लास्ट डिजिट 3 और 3 के टाइम पे 7. तो इनका ही इंटरचेंज होता है, बाकी नंबर में लास्ट डिजिट वही रहता है. सो 7 cube के अंदर, यहाँ पे 6 cube के अंदर लास्ट डिजिट तो रहेगा 6, और स्टार्टिंग के 2 digit के लिए इन 2 digit को इंटरचेंज किया. उसी तरह से आप 8 cube का भी याद रख सकते हो यूजिंग द 5 cube. ये 8 के टाइम पे ये पूरा पेयर्स को इंटरचेंज कर दो. मतलब पहले तो हमने 1 and 2 को इंटरचेंज करके 6 का निकाल लिया. नाउ हियर 12 and 5 को इंटरचेंज करोगे तो 5 12, सो वी गेट अ 8 cube. सो ये दोनों हमने याद रखे विद द हेल्प ऑफ 5 cube, दैट इज ए 125. तो पहले 2 को इंटरचेंज कर दिया तो 2 1, और 6 के लास्ट डिजिट में 6 आता है, दैट्स व्हाई 216 इज ए 6 क्यूब. नेक्स्ट इज, अगर हम 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 के इसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9, क्योंकि यही 2 2 के ये जो है 3 7 2 8 इन्हीं में इंटरचेंज होगा, बट बाकी इसमें तो नहीं होगा. सो 9 क्यूब में लास्ट डिजिट आएगा 9. सो स्टार्टिंग के 2 digit कौन से, सो ये 8. 9 का प्रीवियस नंबर क्या है, 8. 9 into 8, इट इज ए 72. सो हियर 9 8s are 72 एंड लास्ट डिजिट इज 9. नाउ रिमेनिंग कौन सा रह गया है, 7. 7 क्यूब, 7 में लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3. सो स्टार्टिंग और एंडिंग में 3 लिख दो 7 में. नाउ 3 का नेक्स्ट डिजिट होता है 4. सो हियर 7 क्यूब इज 3 4 3. इस तरह से आप 1 से 9 तक के क्यूब याद रख सकते हो. ये कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, जस्ट इसको याद रखने का एक मैंने हिंट बताया कि आप याद करने के लिए इस क्यूब के साथ में याद रख सकते हैं. इनकेस अगर आपको ये 1 to 9 तक के क्यूब याद हो गए, सो हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ 11 to 19 नंबर क्विकली, आप एकदम इजीली निकाल सकते हो. और वो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिंपली a+b ब्रैकेट क्यूब के फॉर्मूले की हेल्प से आती है. So now we discuss how to find the cube of number from 11 to 19. जिस किसी नंबर का स्टार्ट नंबर 1 है उनका क्यूब किस तरह से निकालना है वो हम डिस्कस करेंगे. सो सी द ट्रिक इज, सपोज वी रिक्वायर द क्यूब ऑफ 12. सो 12 का क्यूब चाहिए तो यहाँ पे 1 2 लिख दूँ, फिर 2 का स्क्वेयर एंड 2 का क्यूब, मतलब यहाँ पे आएगा नंबर फिर उसका स्क्वेयर फिर उसका क्यूब, देन इन्हीं का डबल यहाँ पे नीचे लिखना है. तो 2 का ट्वाइस क्या होगा, 2 2s are 4 एंड 4 का ट्वाइस 4 2s are 8. नाउ ऐड दिस नंबर, एडिशन ऑफ दिस नंबर इज 8. नाउ 4 + 8 is 12, कैरी 1. 4 + 2 is 6, 6 + 1 7 एंड दिस 1, दैट मीन्स 12 cube इज 1728. नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल to understand this trick. So suppose we want cube of 16.
सो 16 तो राइट डाउन द 1 6. नाउ 6 का ये अगर नंबर है तो इसका स्क्वायर, उसके बाद में उसका क्यूब. सो 6 स्क्वायर इज 36 एंड 6 क्यूब इज 216. इनका डबल नीचे लिखना है, तो 6 का डबल मतलब इसको 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये पहले मिडल वाले दो नंबर्स को. नाउ डबल ऑफ दिस 6 इज 12 एंड डबल ऑफ 36 इज 72. नाउ टेक द एडिशन, इट इज जस्ट लाइक एज अ वन नंबर. तो हमारे पास में 216 आ गया है, तो हियर वी हैव टू टेक सी 21, ये नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सो नेक्स्ट नंबर में अगर ये 21 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 21. नाउ 6 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज ए 9, और ये बचा हुआ जो नंबर है वो नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होगा. तो इनका एडिशन 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, तो 12 नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड. नाउ हियर 12 प्लस 12 इज 24, 24 प्लस 6 इज 30, सो हियर 0 कैरी 3, 3 प्लस 1 इज 4. सो वी गेट द क्यूब ऑफ 16 इज 4096. मैं एक और एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ जिनको समझ में नहीं आया होगा. यहाँ पे ए ए स्क्वायर एंड ए क्यूब. सो सपोज वी वॉन्ट द क्यूब ऑफ 13. सो क्यूब ऑफ 13 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27. और इसीलिए यहाँ पे क्यूब का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई वी हैव टू यू मस्ट नो द क्यूब ऑफ 1 टू 9 नंबर्स. सो 1 टू 9 की अगर पता है तो यहाँ पे आप क्यूब इमिजिएटली लिख सकते हो. नाउ हियर डबल ऑफ दिस नंबर, सो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी गेट द डबल. सो 3 टू जा 6, 9 टू जा 18. नाउ टेक द एडिशन, सो यहाँ से ये 7, 2 रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा. देन 9 प्लस 18 27, 27 प्लस दिस 2 29, कैरी 2. हियर 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, कैरी 1 एंड दिस 2. सो 13 क्यूब इज 2197. सो आई थिंक ये ट्रिक आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ वी डिस्कस द मेथड सेकेंड टू फाइंड द क्यूब. ये फर्स्ट मेथड से क्विकली आपको क्यूब मिल जाता है, सेकेंड मेथड भी इसी तरह से. फर्स्ट नंबर 1 एज इट इज, नेक्स्ट में आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स ए, देन 3 टाइम्स ए स्क्वायर एंड लास्ट में ए क्यूब. सो जैसे यहाँ पे ए मतलब कौन होगा, ये 2 वाला नंबर, लास्ट डिजिट वाला जो नंबर है दैट इज कॉल्ड ए. सो हियर 2 3 जा 6 एंड 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, देन 2 क्यूब इज 8. नाउ हियर देयरफॉर दिस 8, हर एक इसमें से यूनिट प्लेस नंबर लेना है, तो ये 8, देन यहाँ से ये 2, तो 1 बचा हुआ नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सो इट इज ए 7 1. इन दिस वे वी कैन फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर यूजिंग दिस मेथड. मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज अगर मुझे 13 का क्यूब निकालना है तो पहले 1 आ जाएगा, देन 3 इंटू 3 9, यूनिट प्लेस का नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 9, देन 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 इंटू 3 27 क्यूब, 3 क्यूब इज 27. तो देयरफॉर ये 7, ये 2 नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड, 7 प्लस 2 इज 9, सो अगेन यहाँ पे 2 रिमेन है तो नेक्स्ट में चला जाएगा. सो ये 9 प्लस 2 इज 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 2, सो वी गेट द 13 क्यूब. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सपोज वी वॉन्ट क्यूब ऑफ 14. सो हियर 1, देन 4, 4 3 जा 12, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 जा 48 एंड 4 क्यूब इज 64. नाउ हियर 4 नेक्स्ट में ये 6 कैरी फॉरवर्ड, 6 प्लस 8 इज 14, कैरी 1, सो ये 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 नेक्स्ट में चला जाएगा. इसमें 2 प्लस 5 इज 7, तो ये बचा हुआ 1 अगेन नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड, सो 1 प्लस 1 इज 2. यस यस 6, 6 हमने लिख दिया. हियर 4, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये 6 कैरी फॉरवर्ड. इस नंबर में 6 ऐड करोगे तो हियर 8 प्लस 6 इज 14, 4 कैरी 1, तो ये 5,
फाइव ये नेक्स्ट में चला जाएगा. सो 12 + 5 = 17, 7 नेक्स्ट में कैरी 1, सो 1 + 1 = 2, सो वी गेट अ क्यूब ऑफ 14. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.